गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। हम देखने वाले हैं इस सेशन में डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व के डिटेल्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रैक्टिस के सेशंस में, मैप प्रैक्टिस फॉर UPSC के सेशंस में ये प्लेलिस्ट लॉन्च किया हम लोगों ने, जिसमें हम लोग सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के कवर करेंगे। एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, 360 डिग्री कवरेज, वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना है आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। ऑल्सो फॉर अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स ये बहुत एसेंशियल सीरीज है। कंप्लीट वेजिटेशन, फ्लोरा फौना, एंडेमिक फ्लोरा फौना, लोकेशन, सब कुछ कवरेज यहाँ पे चल रहा है अलॉन्ग विद द बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए इसी सीरीज में आज डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, असम का एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने मानस बायोस्फीयर रिजर्व फिनिश किया था लास्ट सेशन में एंड विल सी दिस डिटेल्स टुडे। लेकिन इस सेशन को शुरू करने के पहले मैं एडवाइस करूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए तुरंत IAS नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल। ऑल्सो टर्न ऑन द बेल फॉर द नोटिफिकेशंस टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ओवर द मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल फॉर UPSC प्रिपरेशंस। एंड लेट मी टेल यू, आई एम ऑल्सो अन अकेडमी एजुकेटेड टेकिंग अप क्लासेज अप ऑन द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, बोथ द प्लस कोर्सेज एज वेल एज द स्पेशल क्लासेज। ऑल्सो आई टेक अप डेली करेंट अफेयर्स ऑन द अन अकेडमी यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। डेली 7:40 AM इन द मॉर्निंग आई टेक अप करेंट अफेयर्स सेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या है, आज डिब्रू सैखोवा में क्या क्या फोकस एरियाज है। इस बार यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इन UPSC 2021 या UPSC 2022। करंट अफेयर्स में चल रहे हैं ये रिजर्व्स। एंड अगर आपको इस सेशन का फ्री PDF चाहिए, कम अपॉन द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा, ये देखिए टेलीग्राम चैनल। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, लेट्स सी व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स। Biosphere reserves are the largest protected areas of the world. Yes, ये देखिए, और they are geographical territory, in fact geographical territory पर demarcate किए जाते हैं। और जितने भी protected areas हैं, national park हैं, sanctuaries हैं, biosphere reserves हैं, उसमें the biggest one is the biosphere reserves। एंड एक बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर में बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज लोकेटेड होते हैं। यू कैन सी द मैप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का मैप देखिए। इसके अंदर तीन रीजन्स डिमार्केटेड, फर्स्ट इज द कोर एरिया यू कैन सी, सेकेंड इज द बफर जोन यू कैन सी, थर्ड इज द ट्रांजिशनल एरिया यू कैन सी। इनफैक्ट ये सारे कंसेप्ट मैंने इसी सीरीज के फर्स्ट वीडियो में क्लियर किए, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, गिविंग यू अ रिकैप ऑफ दिस। सो कोर एरिया फोकसेस ओनली अपॉन रिसर्च फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन। यस, बायोस्फीयर रिजर्व्स का एम क्या है स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम कंजर्वेशन। पूरा इकोसिस्टम जो वहां पे है उसको कंजर्व करना, फूड चेन फूड वेब को कंजर्व करना। तो ये है कोर एरिया, उसके बाहर का बफर जोन, बफर जोन में एंड ट्रांजिशनल एरिया उसके बाहर, ये देखिए। तो बफर एंड ट्रांजिशनल एरियाज में सारे एक्टिविटीज अलाउड हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स, रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड टूरिज्म। यू कैन सी इट हियर, ये देखिए टूरिज्म इन बोथ द एरियाज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेटलमेंट्स, ये देखिए रिसर्च, ये देखिए। यानी कोर एरिया इज ओनली दैट वन विच फोकसेज अपॉन द कोर कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, R&D पे फोकस करता है ओवर कंजर्वेशन, दैट्स इट। और ये डिमार्केशन क्यों किया जाता है, सो दैट वहाँ जो लोकल्स रह रहे हैं उनके तरीके से यहाँ कंजर्वेशन किया जा सके। इन शॉर्ट इट्स फोकसिंग अपॉन सस्टेनेबल लिविंग, वेयर इन द लोकल्स आर गिवन अ ड्यू प्लेस इन द बायोस्फीयर रिजर्व, और उनके तरीके से यहाँ कंजर्वेशन किया जाता है। दिस इज वाई यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हैज दिस क्या कहते हैं, इसे नाम दिया है लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स को। अब यूनेस्को यहाँ पे कैसे आ गया, इनफैक्ट यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
एंड इट हैज लॉन्च्ड द प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 1971। ये देखिए 1971 में MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया था यूनेस्को ने, और इसमें इसमें लिस्टिंग होती है बायोस्फीयर रिजर्व्स की फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इफ दे फिट इनटू द क्राइटेरिया ऑफ यूनेस्को, दैट्स इट। अगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, अगर उसको सेटिस्फाई करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्रीज, दे फाइंड देयर वे इन द लिस्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और इनकी फंडिंग यूनेस्को करता है, मींस एडिशनल फंडिंग। इसका मतलब है एवरी कंट्री डिमार्केट सर्टन बायोस्फीयर रिजर्व्स और उनको ये नॉमिनेट करते हैं, कंट्रीज नॉमिनेट करते हैं यूनेस्को की लिस्ट में लाने के लिए, बट ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व्स डोंट फाइंड देयर वे इनटू द यूनेस्कोज लिस्ट, दैट्स इट। और जब ये बायोस्फीयर रिजर्व्स लिस्ट में आ जाते हैं तो उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है प्रोटेक्टेड एरिया का, दैट्स इट। तो आई सपोज यू गॉट द क्रक्स, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये देखिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसमें देखिए आज हमारा फोकस है डिब्रू सैखोवा, ये देखिए डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम का ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन, यहाँ पे ये देखिए इस बेल्ट में लोकेटेड। इससे ईस्ट में केवल एक और बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, विल सी इट इन द नेक्स्ट सेशन। और इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने मानस बायोस्फीयर रिजर्व कवर किया था, यस दिस इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ असम। ये दो बायोस्फीयर रिजर्व्स असम में, एक मानस और एक डिब्रू सैखोवा। मानस इज नियर भूटान बाउंड्री, ये देख सकते हैं आप, वाइल डिब्रू सैखोवा इज नियर अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री। तो चलिए देखते हैं डिब्रू सैखोवा का डिटेल्स। डिब्रू सैखोवा का लोकेशन देखिए, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर ये देखिए, और डिब्रू रिवर साउथ से इसके बीच में लोकेटेड है ये डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ देखिए द डिटेल्स, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क विच इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन अपर असम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, यस ये तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है कंप्लीट रिजर्व। ये देखिए तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये देखिए इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है, सेंचुरी भी है, यस। एंड दिस यहाँ देखिए यहाँ पे दिस डिब्रू सैखोवा इज अ नेशनल पार्क एज वेल एज अ बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन द साउथ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ये देखिए यानी ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ में, दक्षिण में। और देखिए इसके और डिटेल्स यहाँ दिए हुए, द पार्क इज बाउंडेड बाई रिवर ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर इन द नॉर्थ एंड डिब्रू रिवर इन द साउथ। सवाल यूपीएससी में आ सकता है, विच बायोस्फीयर रिजर्व इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाई ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर्स, ठीक है, लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड डिब्रू रिवर इन द साउथ, ठीक है, डिब्रू रिवर भी ट्रिब्यूटरी है। तो इन तीनों के बीच में डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, तो एक्सट्रीम ईस्टर्न पोर्शन ऑफ असम स्टेट, ये देखिए। और यहाँ पे इसका डिटेल्स और भी यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। तो डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेशन, और ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना है, एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं यहाँ पे, अच्छे खासे हर्ब श्रब एंड रेयर मेडिसिनल प्लांट्स हम देखने वाले हैं इसको, ठीक है। गंगा रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती है, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा रिवर डॉल्फिन इट्स फाउंड इन इवन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा इसे स्टूडेंट्स। इसके अलावा टाइगर एलिफेंट हुलॉक गिबन कैट लंगूर हम देखने वाले हैं ये फौना, ठीक है। और ये एक डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व का एक और भी जिस कहते हैं पेक्यूलर फीचर है, दैट इज इट इज अ स्वैम्प फॉरेस्ट ऑल्सो, स्वैम्प ये देखिए, तो स्वैम्प का मतलब ही होता है कि दलदल वाला फॉरेस्ट, यस वेटलैंड है ये पूरा यहाँ पे पानी, ठीक है, जहाँ पे भी स्वैम्पी फॉरेस्ट है वाटर इज प्रेजेंट अबव द सॉयल एंड दिस इज देयर द ट्रीज आर प्रेजेंट। कौन से ट्रीज हैं? सैलिक्स ट्रीज, ये देखिए इसीलिए कहते हैं डिब्रू सैखोवा इज द लार्जेस्ट सैलिक्स स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये देखिए सैलिक्स ट्रीज। सैलिक्स ट्रीज का मतलब क्या होता है? ये देखिए सैलिक्स ट्रीज, ये विलो ट्रीज भी कहे जाते हैं एंड दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रिकेट बैट्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स, सुना होगा आपने।
इन्हीं के फैमिली के, ठीक है। तो सैलिक्स इज अ पर्टिकुलर जीनस ऑफ ट्रीज, ठीक है, और इसका वुड बहुत ही फाइन होता है, हाई क्वालिटी का होता है, इट्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डिब्रू सैखोवा, और लोकेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक न्यूज़ था, बघजन ऑयल फील्ड ऑयल इंडिया लिमिटेड का, आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या इसी में इसी बघजन ऑयल फील्ड में फायर लगा था? यस, ये ऑयल फील्ड है। अभी रीसेंट न्यूज है स्टूडेंट्स दैट यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के लिए परमिशन मांगा था, सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज परमिशन। यस, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया परमिशन। दिस शोज वन थिंग, दिस बेल्ट इज ऑल्सो वेरी फेमस, रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, यू कैन सी इट हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये सैलिक्स स्वैम्प फॉरेस्ट, ये देखिए द फॉरेस्ट टाइप ऑफ डिब्रू सैखोवा। फॉरेस्ट कौन कौन से? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डिसीडियस फॉरेस्ट है, यस सेमी एवरग्रीन, डिसीडियस फॉरेस्ट एंड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इनफैक्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो वेजिटेशन मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है, जो इंडिया में मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसके सब टाइप्स जो हैं, ऑल सब टाइप्स आर फाउंड इन डिब्रू सैखोवा। यस, ऑल सब टाइप्स। ये देखिए स्वैम्पी फॉरेस्ट, देखिए फ्रेश वाटर स्वैम्प, आपने अभी पढ़ा सैलिक स्वैम्प फॉरेस्ट, सैलिक्स ट्रीज के बारे में, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ये देखिए, ठीक है, एंड ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। अब आप बोलिएगा स्टूडेंट्स दैट दिस ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसीडियस में क्या फर्क है? लेट्स सी, आइए देखते हैं। सो यू कैन सी इट हियर, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ही होता है दैट दिस दीज द लीव्स अपॉन द ट्रीज आउट हेयर, द ट्रीज डोंट शेड देयर लीव्स, पतझड़ का मौसम नहीं आता है, दिस इज अ एवरग्रीन फॉरेस्ट, थ्रू आउट द ईयर लीव्स परसिस्ट करते हैं। और ये तब होगा जब बहुत बारिश होती है जिस जगह पे, एंड यू कैन सी इट हियर एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 250 सेंटीमीटर। इसका मतलब डिब्रू सैखोवा बेल्ट में एनुअल रेनफॉल एक्सीड करता है 250 सेंटीमीटर। टेम्परेचर ऑल्सो इज हाई, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। देर इज नो ड्राई सीजन, या ड्राई सीजन बहुत शॉर्ट है, एंड इट्स फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। यू कैन सी द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए यहाँ बहुत डेंस है ये, और इसके पैचेस पाए जाते हैं डिब्रू सैखोवा में। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी, यू कैन सी इट हियर, ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स टुगेदर, देख सकते हैं थिक कैनपी, जो फॉरेस्ट कवर है बहुत थिक होता है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? कुछ ट्रीज एवरग्रीन, कुछ ट्रीज डिसीडियस यहां पाए जाते हैं, मिक्सचर ऑफ डिसीडियस एंड एवरग्रीन। डिसीडियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विच शेड देयर लीव्स वंस इन द ईयर, पतझड़ जिन पेड़ों में होता है। ये देखिए एनुअल रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल का मतलब ही होता है हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन से थोड़ा सा कम यहां रेनफॉल, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन इट वॉज 250 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है, और यहां पे 200 टू 250 सेंटीमीटर। सो ड्राई सीजन इज, ड्राई सीजन थोड़ा सा होता है, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट मच। और ये ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, नाम ही पड़ा है, सम ट्रीज आर एवरग्रीन, सम ट्रीज आर डिसीडियस, और यहां पे डिसीडियस ट्रीज लीव शेड करते हैं, दैट्स इट। तो लोअर स्लोप्स ईस्टर्न हिमालयस एंड डिब्रू सैखोवा के आसपास भी इसका प्रेजेंस। ये देखिए ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, लेस डेंस, ये देखिए डेंसिटी कम है, कम डेंस है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ये देखिए स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ओके। तो रेनफॉल 100 टू 200 सेंटीमीटर, ये भी पाया जाता है डिब्रू सैखोवा में, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, रेनफॉल अच्छा खासा है लेकिन थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एंड वेट एवरग्रीन। यही वजह यहाँ के पेड़ पतझड़ का मौसम देखते हैं, द ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर, सो ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर व्हेन सफिशियंट मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल।
तो ये भी पाया जाता है यहाँ पे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस इज फाउंड इन द रीजन ऑफ डिब्रू सैखोवा। एंड लास्ट पॉइंट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, आप देख सकते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में भी स्वैम्प फॉरेस्ट वेटलैंड्स की बात चल रही है, ऑल्सो ब्रैकिश वाटर में जहाँ मैंग्रोव्स होते हैं। तो स्वैम्प फॉरेस्ट यहाँ पे किसके हैं? ब्रह्मपुत्रा, आपने अभी पढ़ा, ब्रह्मपुत्रा रिवर, लोहित रिवर एंड डिब्रू रिवर के स्वैम्प फॉरेस्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं इन डिब्रू सैखोवा रिजर्व। इन शॉर्ट, ऑल फोर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड। एंड लेट मी टेल यू, मानस सेंचुरी, मानस बायोस्फीयर रिजर्व विच वी सॉ यस्टरडे, इसके पहले वाला सेशन, उसमें स्वैम्प फॉरेस्ट छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं। एंड दिस ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेजिटेशन। लेट शिफ्ट टू द दिस फौना। फौना में देखिए, रेड लिस्ट कैटेगरीज, IUCN का ये लिस्ट है, आपको भी पता है इस लिस्ट का मतलब क्या है। रेड लिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो भी सबसे ज़्यादा परेशानी में है एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। ये देखिए, ये थ्रेटन्ड कैटेगरी है, इन पे ही फोकस है, इनके इनको कंजर्व करना है, इन एनिमल्स को, इन प्लांट्स को। अगर कंजर्व नहीं किया गया तो दे विल बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसका मतलब है दे आर एक्सटिंक्ट अपने नेचुरल रीजन्स में, उन्हें केवल कैप्टिविटी में, जू के अंदर ही उनको जिंदा रखा गया है। एंड कंप्लीटली एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? कंप्लीटली पृथ्वी से डिसअपियर कर जाना। तो IUCN ये लिस्टिंग देता है। और क्रिटिकली एंडेंजर का मतलब है अगर नहीं ध्यान दिया गया, इट विल शिफ्ट टू एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसीलिए यहाँ हमें फोकस क्या करना है? वी हैव टू फोकस अपॉन विच एनिमल्स ऑफ दिस रिजर्व आर एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इफ दे आर इन द एंडेंजर्ड, वी हैव टू कंजर्व देम, अदरवाइज दे आर डिक्रीजिंग नंबर्स विल शिफ्ट टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड और फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए देखते हैं पहले कौन कौन से एनिमल्स हैं। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला आ गया, यहाँ ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं हल्के फुल्के रिवर्स के आसपास, और सेम एज मानस, मानस में भी ये पाया जा रहा था, यहाँ भी पाया जा रहा, पिग्मी हॉग, द स्मॉलेस्ट, ओके, द स्मॉलेस्ट पिग ऑफ द वर्ल्ड, द पिग्मी हॉग, इट्स फाउंड आउट हेयर। एंड पिग्मी हॉग आप देख सकते हैं, ये एंडेंजर्ड इसका कैटेगरी है, इट्स एंडेंजर्ड, लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वही ये लिस्टिंग करता है, डेटा तैयार करता है और गवर्नमेंट्स को देता है दैट आप इसको कंजर्व कीजिए। ये देखिए, तो ये एलुवियल ग्रासलैंड्स में पाया जाने वाला पिग्मी हॉग, स्मॉलेस्ट पिग, देखिए बहुत छोटा पिग है, ठीक है, ग्रासलैंड्स में पाया जाता है, ठीक है, एलुवियल ग्रासलैंड्स, इसका मतलब क्या, नदी के आसपास, रिवर, ठीक है। सो एलुवियल ग्रासलैंड्स, प्लीज नोट इट डाउन, सेम एज मानस, इट इज फाउंड इन डिब्रू सैखोवा। नेक्स्ट ये देखिए, ग्रासलैंड बायोम, जो नदी के आसपास का ग्रासेस हैं वहां पे बंगाल फ्लोरिकन भी पाया जा रहा है, यस, बंगाल फ्लोरिकन ये मानस में भी पाया जा रहा था, मानस में इसके सबसे ज्यादा नंबर्स हैं और ये डिब्रू सैखोवा में थोड़ी संख्या में, इट्स फाउंड इन लेसर नंबर्स इन डिब्रू सैखोवा एज वेल, बट इट्स मैक्सिमम नंबर्स आर फाउंड इन मानस, और आज की तारीख में इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लिस्टेड इन IUCN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ टाइप ऑफ बस्टार्ड स्पीसीज, बस्टार्ड स्पीसीज का एक एग्जाम्पल ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है जो पाया जाता है राजस्थान में, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट, इट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड्स, वन ऑफ द हैवीएस्ट बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द हैवीएस्ट। ये देखिए, तो उसी में, उसी का एक क्या कहते हैं, बस्टार्ड स्पीसीज का ही एक सब टाइप है बंगाल फ्लोरिकन, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और इसके एंडेंजर्ड होने के पीछे रीजन है स्टूडेंट्स दैट दिस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसका, इट्स ऑल्सो हंटेड, द बिगेस्ट रीजन इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इन द बेल्ट, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से, ये देखिए, ये भी सेम मानस का एनिमल, मानस बायोस्फीयर रिजर्व में, काजीरंगा में, पोबी तोड़ा में जो पाया जाता है, डिब्रू सैखोवा में भी, वन हॉर्न राइनोसेरस, ये देखिए,
One horned rhinoceros is listed as vulnerable in IUCN. It's a herbivorous mammal. You can see it here. Second largest Asian animal after Asian elephant. और इसका लोकेशन ये इंडिया, नेपाल, भूटान, ये तीनों जगह पाया जाता है. इंडिया, नेपाल एंड भूटान. इट्स नॉट एंडेमिक टू इंडिया ओनली, इट्स एंडेमिक टू साउथ एशिया. नेपाल और भूटान में भी ये पाया जा रहा है. और इसका इसको द नंबर्स वेंट डाउन बिकॉज ऑफ पोचिंग फॉर हॉर्न्स. ये देखिए, हॉर्न ऑफ द राइनोसेरस, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस. इसीलिए इसकी पोचिंग, इसकी स्मगलिंग होती है बॉडी पार्ट्स की. ऑल्सो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग एंड हैबिटेट लॉस हैव रिड्यूस्ड द नंबर्स. और ब्रह्मपुत्रा बेसिन में अच्छा खासा एलुवियल ग्रासलैंड्स में ये पाया जा रहा है. सेम एज पिग्मी हॉग, सेम एज बंगाल फ्लोरिकन, इट इज ऑल्सो फाउंड. और राइनोसेरस के लिए ये देखिए, एक बहुत बड़ा एफर्ट शुरू किया गया था. द एफर्ट वॉज इंडिया राइनो विजन 2020. ये देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इंडिया के साथ शुरू किया था इंडियाज राइनो विजन 2020. और इसका एम क्या था ये देखिए, 3000 राइनोस करने थे 2020 ईयर तक. ये देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वॉज पार्टिसिपेटिंग इन दिस अलॉन्ग विद इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन एंड असम. और इसमें करना क्या था, 3000 राइनोस कहाँ से निकालने थे. ये देखिए, दो जगह राइनोस का अच्छा खासा प्रेजेंस है, राइनोसेरस का इनसाइड असम. You can see two source populations. कहाँ पे, काजीरंगा एंड पोबीतोड़ा. काजीरंगा एंड पोबीतोड़ा, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड पोबीतोड़ा सेंचुरी. और यहाँ से इनको ले जाना था किसी और भी जगह. ये देखिए, मानस, लखोवा, कचमोरा, डिब्रू सैखोवा एंड ओरांग. ये देखिए, डिब्रू सैखोवा में भी इनको रिलोकेट किया गया. यस, रिलोकेशन जस्ट फॉर कंजर्वेशन, जस्ट टू एंश्योर कि कॉम्पिटिशन ना हो जाए केवल काजीरंगा या पोबीतोड़ा में. और ये देखिए, 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स इंडियन राइनोसेरस आर इन काजीरंगा. ये देखिए, हेवी पॉपुलेशन इन काजीरंगा. तो अब निकाला गया. और ये देखिए, ये न्यूज़ भी आया था इसके ऊपर, ठीक है. ये 3000 राइनोस का टारगेट अचीव हो गया है, टारगेट इज अचीव्ड एज पर द ऑफिशियल डेटा. रिसेंट जनवरी में इसका न्यूज़ आया, जनवरी 2021 में. We have already covered this news in Manas. ठीक है, next देखिए, Chinese pangolin forest में पाया जाता है. Chinese pangolin is critically endangered. ये देखिए, critically endangered as per IUCN. Very very important. और ये Chinese pangolin इसलिए भी important है क्योंकि इसके numbers decrease कर रहे हैं. It's used in Chinese medicine. और ये केवल students, ये India में, it's only found in northeast India. ये चाइना में पाया जाता है और इंडिया में केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है. चाइनीज मेडिसिन में इसको, इसके पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं. दिस इज द रीजन इट्स हंटेड. वही एक इंडियन पेंगोलिन भी है. इंडियन पेंगोलिन हम लोग कवर करेंगे पेनिनसुलर रीजन्स में, ठीक है. इंडियन पेंगोलिन इज फाउंड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन चाइनीज पेंगोलिन कहाँ पाया जा रहा है, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई सपोज यू गॉट द डिस्कशन अबाउट दीज 3-4 स्पीसीज, ठीक है. पिग्मी हॉग हो गया, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, छोटा सा पिग है, ठीक है, ग्रासलैंड्स में पाया जाता है. नेक्स्ट बंगाल फ्लोरिकन हो गया, ग्रासलैंड्स में पाया जाता है, बर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है. नेक्स्ट वन हॉर्न राइनोसेरस वल्नरेबल है, ग्रासलैंड में पाया जा रहा है, ये देखिए वल्नरेबल. और इसको लेकर इंडियन राइनोविजन प्रोग्राम, ठीक है, टारगेट इज अचीव्ड, ठीक है. और डिब्रू सैखोवा में इसको ट्रांसलोकेट किया गया है. इसका चाइनीज पेंगोलिन फॉरेस्ट का एक बहुत फॉरेस्ट बायोम, फॉरेस्टेड एरियाज में प्रेजेंट, एंड चाइनीज मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है. सो दिस इज द रीजन दैट दिस, क्या कहते हैं, इसके नंबर्स डिक्रीज कर गए हैं. अब अगला देखिए, ये देखिए, एशियाटिक वाइल्ड डॉग या ढोले, ठीक है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग या ढोले, इट्स फाउंड इन डिब्रू सैखोवा इन लार्ज नंबर्स. इट्स इनफैक्ट ये पूरे इंडिया में पाया जा रहा है, लेकिन डिब्रू सैखोवा में लार्ज नंबर्स में. हाईली सोशल एनिमल है, हाईली सोशल एनिमल है. सोशल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, सारे जानवरों से दोस्ती करता है. नो, इट लिव्स इन ग्रुप्स. ये अपने में लार्ज ग्रुप बना के रहता है, 30-40 के नंबर्स में. एंड यस, दे गिव अ फियर्स कॉम्पिटिशन टू द टाइगर्स एंड लायंस. दे आर कार्निवोरस, इसीलिए सेम शिकार सेम है. टाइगर और लायन के साथ में ये भी हंटिंग करता है सेम शिकार का, ठीक है. इट फीड्स अपॉन द एनिमल्स
एंड जस्ट इन द सेम वे एज हाइनास, हाइनास की तरह ये भी पैक्स में ठीक है हंट करते हैं, और इसका स्टेटस आज की तारीख में एंडेंजर्ड हो गया है, एंडेंजर्ड। यस दिस वॉज इन न्यूज लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, इसलिए जरूर से एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोले इसे जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ये देखिए, व्हाइट विंग्ड डक, व्हाइट विंग डक इट इज एंडेंजर्ड, और ये डिब्रू सैखोवा का एंडेमिक स्पीसीज है, मीन्स इनफैक्ट डिब्रू सैखोवा में लार्ज नंबर में पाया जा रहा है, ठीक है, इट्स एंडेंजर्ड। व्हाइट विंग डक कहाँ पाया जाता है लार्ज नंबर्स में, डिब्रू सैखोवा, ठीक है। ये देखिए क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड इज ऑल्सो फाउंड इन डिब्रू सैखोवा, ठीक है, और इसका स्टेटस है वल्नरेबल इन IUCN, वल्नरेबल एज पर IUCN। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स दैट ये हंट करता है नाइट में, इट हंट्स एट नाइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हंट्स एट नाइट। एंड लास्ट पॉइंट कैप्ट लंगूर, ये देखिए कैप्ट लंगूर ईस्टर्न हिमालयस एंड बांग्लादेश में पाया जाता है, इट्स फाउंड इन द डिसीडियस फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट में पाया जाने वाला कैप्ट लंगूर, इसका भी स्टेटस ध्यान दीजिएगा इट्स वल्नरेबल, इसकी भी संख्या कम हो रही है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्लस बांग्लादेश इट इज फाउंड, ठीक है। तो ज़रूर से नोट कीजिएगा डिब्रू सैखोवा के कुछ फेमस एनिमल्स, कैप्ट लंगूर वल्नरेबल स्टेटस, क्लाउडेड लेपर्ड वल्नरेबल स्टेटस, व्हाइट विंग डक एंडेंजर्ड स्टेटस, ढोले हाँ दिस इज एंडेंजर्ड, एंड चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलिए आगे बढ़ जाए, न्यूज एक आया था स्टूडेंट्स बघजन ऑयल फील्ड, ये देखिए करंट अफेयर्स, यहीं पे आग लगी थी, ये देखिए बघजन ऑयल फील्ड इज लोकेटेड नेक्स्ट टू मगूरी बिल एंड डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एंड फायर कॉट आउट आउट हेयर, एक साल के बाद लगभग ये फायर बुझाया गया, बहुत मुश्किल से फायर बुझाया गया इस जगह पे ऑयल वेल में। तो बघजन का लोकेशन आ जाएगा, बघजन इज लोकेटेड इन विच पार्ट, जस्ट नियर डिब्रू सैखोवा, यू कैन सी इट हियर। और एक और करंट अफेयर्स न्यूज स्टूडेंट्स लास्ट में, मैंडरिन डक चाइना से, चाइना में ये पाया था मैंडरिन डक एंड इट वॉज सीन इन मोटापुंग मगूरी बील, ये देखिए द लेक, ये देखिए मगूरी बील, देखिए यहीं पाया गया था मैंडरिन डक। अब इसके बारे में और कुछ तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट मैंडरिन डक में केवल केवल इतना इंपॉर्टेंट है दैट ये चाइना में पाया जाता है एंड इट्स अ वेरी कलरफुल डक, यू कैन सी इट, कलरफुल डक चाइना में इसका ओरिजिनल ये पाया जाता है ओरिजिनली। सो दैट वॉज इट स्टूडेंट्स, मैंडरिन डक लोकेट किया गया मीन्स पाया गया मोटापुंग मगूरी बील में, ऑयल फील्ड में आग लगी, बघजन में, ये सब डिब्रू सैखोवा के आसपास का न्यूज है। एंड लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू दिस लास्ट पॉइंट टू विच इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एक हॉर्सेस भी पाए जाते हैं, फेरल हॉर्सेस नाम है, ये देखिए फेरल हॉर्सेस का मतलब है ये डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस के ही टाइप्स हैं, बट दे आर फ्री रोमिंग इन दिस बेल्ट, डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस के ही टाइप हैं, दे आर फ्री रोमिंग इन डिब्रू सैखोवा। तो फेरल हॉर्सेज कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में, डिब्रू सैखोवा में, ये याद कर लीजिएगा। सो दैट वॉज इट विच इज इम्पोर्टेंट इन डिब्रू सैखोवा, वेरी डिटेल्ड आई टॉक्ड अबाउट द वेजिटेशन द कम्प्लीट फौना, जरूर से कवर कीजिएगा स्टूडेंट्स, इस पूरे डिब्रू सैखोवा बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार प्रिलिम्स के पर्पज से UPSC में 2021 या 2022 के लिए। एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व, विल कवर इट इन डिटेल इन द सेम वे, एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, सो प्लीज फॉलो इट, एंड फॉर द PDF कम अपॉन द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा। विद दिस आई विल एंड द सेशन, नमस्कार, जय हिंद।